जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ, यहाँ हम जानेंगे आप अपने शहर के मौसम का ताज़ा हाल। जी अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जी अगर आप हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा रिपोर्ट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ TR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलें। जी अगर आप हरियाणा से जुड़ी हुई कोई भी मौसम की जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपके ज़िले के मौसम की ताज़ा जानकारी हम बता सकें। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज के मौसम का ताज़ा हाल। जी हाँ, 9 घंटे में शहर में 22 mm बरसे बादल। लाखन माजरा और कलानौर सूखे रह गए। जी हाँ, हम आपको बता दें मानसून की बरसात ने आखिर एक सप्ताह बाद फिर से राहत देनी शुरू की है, लेकिन यह राहत अभी आंशिक नज़र आ रही है क्योंकि अभी आने वाले 5-6 दिनों से बरसात होने के आसार कम ही बने हैं। स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम ना बन पाने के चलते अभी बरसात नहीं हो पाएगी। हालांकि रविवार सुबह 11 बजे के बाद दिन भर रुक रुक कर बरसात होती रही। शहर में ही सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 22 mm बरसात दर्ज की गई। हम आपको बता दें इस कारण शहर की कॉलोनियों में फिर से जल भराव की स्थिति बन गई है। हालात तो ये रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ विभाग के सामने व सचिवालय गेट के मुख्य रास्तों पर भी देर रात तक पानी भरा रहा। सबसे ज़्यादा बरसात सांपला में 42 mm दर्ज की गई, जबकि लाखन माजरा और कलानौर लगभग सूखे ही रह गए। शहर के इन इलाकों में स्थित बिगड़ी शहर में सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। इसी का परिणाम है कि जिन कॉलोनियों में अभी बाढ़ के समय ही पानी एकत्र होता था वे भी अब डूबने लगी हैं और अधिकारियों के पास अभी लापरवाही छिपाने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि जल भराव सभी जिम्मेदारी की कलई खोल रहा है। शहर की झंग कॉलोनी, सुभाष नगर, श्रीनगर कॉलोनी, न्यू चिन्नौर कॉलोनी, सुखपुरा चौक, मॉडल टाउन, प्रेम नगर, जनता कॉलोनी व अन्य कॉलोनियों में भी जल भराव की शिकायत मिली है। एक सप्ताह तेज बारिश के आसार कम हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सभी आने वाले 5 से 7 दिनों तक कोई मजबूत वेदर सिस्टम नहीं बन पा रहा है। ऐसे में तेज बरसात होने की संभावना कम ही है। हालांकि टुकड़ों में रुक रुक कर बरसात, वहीं कहीं कहीं बरसात व बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश की सक्रियता 10 अगस्त तक बने रहने की संभावना है। इससे आमतौर पर हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। जी हाँ, ये थी मौसम की ताज़ा रिपोर्ट। मिलते हैं आप सभी को ऐसे ही हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा रिपोर्ट लेकर के। तब तक TR न्यूज़ के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।